कोरोना आपदा के समय जो कवि हैं उनके द्वारा भी अपना योगदान दिया जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से उनके द्वारा जो COVID-19 में सेवा में लगे हुए हैं योद्धा, उनके लिए ऑनलाइन कविताएं पेश की जा रही हैं। ऐसे ही जो राष्ट्रीय कवि संगम है उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से एस टुडे चैनल के माध्यम से वे अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कोरोना आपदा के इस भयानक दौर में हम राष्ट्रीय कवि संगम और एस टुडे चैनल के सौजन्य से कुछ कविताएं और गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा, राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से एस टुडे चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमारी कविताएं व विचार आप तक पहुंचाएं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा जागरूक रहें, यही हमारा प्रयास है। तो प्रस्तुत है कुछ कविताएं। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपका प्रिय डॉक्टर संदीप शर्मा कोरोना आपदा पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, तो जरा गौर फरमाएं। आखिर कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम कोरोना? चाहते हो तुम कि मानवता तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाए, पाप ना पुण्य का हिसाब हो, फरिश्ते भी भंवर में फंसते जाएं। मृत्यु का खौफ पहाड़ और मैदानों में लहलहाए, विज्ञान आखिर थक कर मानव सभ्यता के संहार को ना रोक पाए। चाहते हो तुम क्या ईश्वर भी हमें छोड़कर दूर चला जाए, धरा पर फैले लाशों के सागर में हमारी कश्ती भी डूबती चली जाए? नहीं, तुच्छ तृष्णा है तुम्हारी, ये पृथ्वी ये माटी है हमारी। हम लॉकडाउन और सहनशीलता का तेज हथियार बनाएंगे तेरे नापाक इरादों को, सोशल डिस्टेंसिंग से मिटा जाएंगे। हम स्वच्छता और जागरूकता की रोशनी चहुं ओर जगाएंगे तेरे विनाश तक, कोरोना योद्धाओं के लिए वीरता के गीत गाते जाएंगे। कब तक तुम अदृश्य दुश्मन बन पीठ पीछे से खंजर घुसाओगे? सिंह गर खामोश हैं तो फिर क्या जंगल पर अधिकार जमाओगे? आखिर चाहते हो तुम क्या करोना? आखिर चाहते हो तुम क्या करोना? धन्यवाद। दोस्तों सारे जो रमन शर्मा का नमस्कार। आज मैं तुहाडे वास्ते एक नई कविता लेने आया, अम्मा अड़िए। अम्मा अड़िए आया करोना, चुनी चुनी जिस आंतक फैलाया, विदेशां ते चली ने घरां घरां जिस अपना शिकार बनाया। अम्मा अड़िए सुन त्याना ने, जो कोई बुढ़ा यो फिर न्याणा, सबनी पहली उना पर करोने अपना तीर चलाया। सह नहीं पुछदा जात किसे दी, ना दिखदा धर्म बगाना, बस सबना दे हत्था नक्का बिच रही के तिस एक दूजे दे शीरां च अपना घोंसला बनाया। तिस ते डर दे लोग सारे नठ नठी घरां च लुकी ने, ता जानी जो बचाया। जो भुली बैठे थे अपने घरां कन्ने सियाणा, जो सह मुड़ी मुड़ी घरां च दौड़े, पुलसिया आलिया दे खाधे डंडे, पर फिर भी अपने घरां च पूजी ने तिने भगवान जो हथ जोड़े। साफ हो गई नदियां सारियां, जंगल च जानवर दौड़ा लगांदे, पंछी सवेरे गान गीता, माणो कोई सड़क च नजर नहीं आंदे। सुन मेरी अम्मा, ना चलदा हवाई जहाज, ना चलदी पानी दी जहाज राणी, जो बचना करोने ते ता सरकार दी गल मन्नी ने अपनी जान बचाणी। अच्छा मेरी अम्मा, दूर दूर रहना सबना ते, हाथ जोड़ती जो नमस्ते बुलाना, मदद करनी सारे दी, भाईचारा असी सबने निभाना। सुन मेरी अम्मा, असा घर च रही नहीं, सबना सुरक्षित रहना। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि पूनम, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर। कोरोना आपदा के बाद प्रकृति और मानव व्यवहार पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कृपया गौर फरमाएं। अब क्या होगा कोरोना जब इंसान फिर जाग जाएंगे? अब
क्या होगा कोरोना जब इंसान फिर जाग जाएंगे, जब चले जाओगे तुम दूर अंधेरों में खो जाओगे, जलते लाशों के शमशान में हकीकत का धुआं फैलाओगे, उठेंगे फिर इंसान, उठेंगे फिर ये इंसान, अपनी पगडंडियों पर निकल जाएंगे, थर्रा उठेगी ये धरती, प्रकृति के रहवर फिर चिल्लाएंगे, सागर में अहंकार के जहाज लहरों में टकराएंगे, नदियां नालों में प्रदूषण ये फिर सब फैलाएंगे, कुतरने को माटी को मशीनों के दांत किटकिटाएंगे, जंगलों में आग जानवर सवा हो जाएंगे, जल चर कहीं कंदराओं में डर से फिर से छिप जाएंगे, स्वच्छ थी वायु अब कारखानों के मुंह जहर उगल जाएंगे, सड़कों पर कुचलते मौत के रहनुमा चहों और दन दनाएंगे, उड़ेंगे जहाज, उड़ेंगे फिर से जहाज, पंछी घोंसलों में पर फिर से दुबक जाएंगे, काम क्रोध मोह लोभ के राक्षस चहों और फिर से पताका फहराएंगे, बाजारवाद का जादूगर फिर से डुगडुगी बजाएगा, लालच के बाजार में झूठ फिर से बिकता जाएगा, प्रकृति इंसान के लिए कोरोना को कहती हुई, हे कोरोना सीख देते जाना, भुलकड़ों को जरा समझा जाना, दीप जले प्रेम का हर घर में, दीप जले प्रेम का हर घर में, इन सौदागरों को जरा समझा जाना, धन्यवाद। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, सहायक प्राध्यापक, कैलकट पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। आज कोरोना के ऊपर कुछ जो मैंने पंक्तियां लिखी हुई हैं, उनको आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। ये मेरे को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिस वजह से कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस महामारी को रोकने के लिए मेरी पंक्तियों पे सभी लोग बहुत अमल करें और विचार करें। मेरी कविता का शीर्षक है, जागो कोरोना फैलता जा रहा। कुछ मजहबी पंथी अधर्मी आग में घी डाल रहे, कुछ मजहबी पंथी अधर्मी आग में घी डाल रहे, धर्म की आड़ में इंसानियत को मार रहे, जागो कोरोना फैलता जा रहा, मानवता को ठेंगा दिखा रहा। कुछ पढ़े लिखे पंडित विद्वान, कुछ पढ़े लिखे पंडित विद्वान सरेआम उड़दंग मचा रहे, अनुशासनहीनता के बस में, अनुशासनहीनता के बस में कानून की धज्जियां उड़ा रहे, जागो कोरोना फैलता जा रहा, मानवता को ठेंगा दिखा रहा। कुछ गरीब हसाए लाचार, कुछ गरीब हसाए लाचार भुखमरी से कहरा रहे, गंवाकर सब कुछ अपना, गंवाकर सब कुछ अपना, मौत को गले लगा रहे, जागो कोरोना फैलता जा रहा, मानवता को ठेंगा दिखा रहा। पुलिस चिकित्सक सफाई कर्मी, पुलिस चिकित्सक सफाई कर्मी शहीद होते जा रहे, इंसानियत को बचाते बचाते, इंसानियत को बचाते बचाते जान की आहुति डाल रहे, जागो कोरोना फैलता जा रहा, मानवता को ठिंगा दिखा रहा। सभ्यजन अनुशासित देशवासी, सभ्यजन अनुशासित देशवासी भारत माँ के आंचल को संभाल रहे, भारत माँ के आंचल को संभाल रहे, दो दो हाथ कर कोरोना दानव को पछाड़ रहे, दो दो हाथ कर कोरोना दानव को पछाड़ रहे, जागो कोरोना फैलता जा रहा, मानवता को ठिंगा दिखा रहा। ना समझी हम अगर दिखाएंगे, ना समझी हम अगर दिखाएंगे, अपनी नसों में जहर फैलाएंगे, अपनी नसों में जहर हम फैलाएंगे, सहमेंगी पुश्तें सदियों तक, सहमेंगी पुश्तें सदियों तक, गुलशन नादानी अब अगर दिखाएंगे, जागो कोरोना फैलता जा रहा, मानवता को ठेंगा दिखा रहा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आपका दोस्त गुलशन कालिया, जो आजकल की करंट सिचुएशन चली है उसके ऊपर दो कविताएं लिखी थी। एक थी लॉकडाउन के ऊपर और दूसरी थी कोरोना आपदा के ऊपर, जो आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूं, जरा गौर करिएगा। फर्स्ट है मेरे देश का लॉकडाउन। आजकल मेरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, आजकल मेरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, कई लोगों के लिए दुख है और कुछ के लिए मजाक चल रहा है। हर जगह जहां देखो, हर जगह जहां देखो मौत का समाचार चल रहा है,
पर तुझे इससे क्या, तेरा तो अच्छा व्यापार चल रहा है। अन्न नहीं है खाने को, अन्न नहीं है खाने को, और इजाजत नहीं है कमाने को, पर कुछ के लिए तो छुट्टियों का त्योहार चल रहा है। फूट मची है हर जगह, फूट मची है हर जगह, इंसानों से इंसान डर रहा है, पर इनको क्या, इनका तो धर्म का प्रचार चल रहा है। कुछ परमात्माओं ने सब कुछ लगा दिया देश हित में, और कुछ के लिए तो फेमस होने का माहौल चल रहा है। संकट की घड़ी है और दुखों का अंबार है, हे ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे देश का इम्तिहान चल रहा है। और जो दूसरी कविता आपके रूबरू करने जा रहा हूं, वो मैंने पहाड़ी में लिखी थी, जरा गौर करिएगा। बार नहीं जाना कने मुआ पर मास्क लगाना, बार नहीं जाना कने मुआ पर मास्क लगाना, मिली जुली कने ही दोस्तों असा देश कोरोना मुक्त बनाना। नक मुंह कने कन्ना ने, नक मुंह कने कन्ना ने इंजा नहीं छोड़ना, पहले हथा जो रगड़ी ने धोना। बार दी चीजा जो पहले ढंगा ने धोना, फल फ्रूट सब्जी जो भी बारा ते लेना। डॉक्टर कने पुलिस आले ने, डॉक्टर कने पुलिस आले ने कुलने नहीं पाना, हुण यही असा दे भगवान ने जिन्हां सांझो बचाना। हिम्मत रखनी कने हौसला नहीं खोना, हिम्मत रखनी कने हौसला नहीं खोना, जल्द ही असां दा देश यह बीमारी ते मुक्त होना। मिली जुली कने देनी असां, मिली जुली कने देनी असां दुनिया जो मिसाल है, असां जो राव कोरोना ईदी एडी मजाल। जीती कने बढ़ानी असां देसारी सान, जीती कने बढ़ानी असां देसारी सान, फिर सर उठाई करने बोलना, मेरा भारत सारे ते मान। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हमारा सारा देश घर पे बैठा हुआ है, सारी अर्थव्यवस्था ठप होती जा रही है। तो पर इसी बीच में हमारे साहित्यकार भाई सब अपनी रचनाओं को आगे रख रहे हैं और एक उम्मीद की रोशनी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में मेरी एक कविता आपके सामने रखता हूं, जिसका शीर्षक है घर पे रहो। कविता है कि बंद रहेंगे दफ्तर कॉलेज, सुनने में आ रहा है। बंद रहेंगे दफ्तर कॉलेज, सुनने में आ रहा है, माँ बड़ी खुश थी, बंटी घर आ रहा है। घर पहुंचकर बंटी ने सबको कसके गले से लगाया, आज माँ की छुट्टी है, बंटी खुद खाना बना रहा है। अब खाना मंगवा कर जल्दी ने बंटी ने कहा, माँ कुछ काम है। अब खाना छोड़ के बंटी एक दोस्त को लेने एयरपोर्ट जा रहा है। पर बेटा भी बाहर जाना अच्छा नहीं है, माँ ने कहा। माँ की बातें अनसुनी कर बंटी जल्दी से बस में चढ़ा रहा है। अरे माँ, ये बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती, मीडिया हरामी है, हमें बस डराया जा रहा है। अब एयरपोर्ट पहुंचकर बंटी ने दोस्त को कस के गले से लगाया, हाथ भी मिलाया और बाहर जमकर खाना भी खाया। वापसी में जब दो दोस्त और मिले तो उनको भी गाड़ी में संग बिठलाया। अब जब दूर दूर तक देखा तो कोई नजर ना आया, पर एक पुलिस वाले ने दूर से देख जोर से डंडा लहराया। अब जैसे तैसे दोस्तों को छोड़ बंटी घर वापस आया, पर जब कुछ दिन बाद हल्का बुखार आया तो बंटी घबराया। मां ने पहले उसे डांटा, फिर चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचाया। आज 21 तारीख है और बंटी कोरोना पॉजिटिव आया है। उसकी एक गलती की वजह से सारा मोहल्ला घबराया है। उसकी एक गलती की वजह से सारा, शायद ये घर से बाहर उसका आखिरी चक्कर हो सकता है। डॉक्टर ने कहा, इलाज तो कोई नहीं है, अब दुआ कीजिए, उसी से कुछ हो सकता है।
बंटी की जगह हम में से भी कोई हो सकता है। आपकी एक गलती की वजह से आपका परिवार एक सदस्य खो सकता है। अपनी चूड़ियों को खुद तोड़ने से बुरा कोई पल नहीं है। कम से कम इतना सोच के ही घर पे रहो कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है। अपने बच्चों को अपनी आंखों मरते देखने से बुरा कुछ नहीं है। अरे अभी तुम्हें घर पे रहना है, उससे जरूरी कुछ नहीं है। चाहे बीमारी हो या पुलिस, डर है तो डर में रहो, जिंदा हो अभी अच्छा है। घर पे रहो, घर पे रहो। धन्यवाद। मति बुरी करो नरी बीमारी हो, लेरा दिंदी दुनिया सारी हो। मति बुरी करो नरी बीमारी हो, लेरा दिंदी दुनिया सारी हो। वो चाइना ते निकली चिंगारी हो, अगलाई दुनिया च सारी हो। चाइना ते निकली चिंगारी हो, अगलाई दुनिया च सारी हो। लेरा दिंदी दुनिया सारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। लेरा दिंदी दुनिया सारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। दुनिया दी रुकी रफ्तार हो, ओ दुनिया दी रुकी रफ्तार हो। हर पासे होया हाहाकार हो, हर पासे होया हाहाकार हो। मति बुरी करो नरी बीमारी हो, लेरा दिंदी दुनिया सारी हो। मति बुरी करो नरी बीमारी हो, लेरा दिंदी दुनिया सारी हो। ना कोई इलाज ना दुआई हो, मति बुरी आफदा आई हो। ना कोई इलाज ना दुआई हो, मति बुरी आपदा आई हो। ओ खुशी दे नेड़ नियो जाना हो, खुशी ने हाथ नी मिलाना हो। ओ खुशी दे नेड़ नियो जाना हो, खुशी ने हाथ नी मिलाना हो। दिले ते रखियो तुसा यारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। लेरा दिंदी दुनिया सारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। लेरा दिंदी दुनिया सारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। ओ ना इसदा कोई इलाज हो, कन खोली सुनो लोको आज हो। कन खोली सुनो लोको आज हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। लेरा दिंदी दुनिया सारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। लेरा दिंदी दुनिया सारी हो, केना मनियो सरकारी हो। मति बुरी करो नरी बीमारी हो, मति बुरी करो नरी बीमारी हो। कोरोना महामारी के इस दौर में मैं सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को इस गाने के माध्यम से सहयोग करता हूँ। मेरे वतन के लोगों, तुम
कोरोना से मत डरना, ये तो है एक वायरस, हम सबको मिलकर लड़ना है। मेरे वतन के लोगों, किस तरह से ऑनलाइन माध्यम से जो कोविड 19 की एक आपदा आई हुई है पूरे देश विश्व भर में, इसके लिए कवियों के द्वारा अपना एक योगदान दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम एचडी परिवार जो सभी जो कवि हैं उनका दिल तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।